तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत लोगों का अभी भी मन में सवाल है कि इंडिया से मार्च में सुना हूं कि फ़्लाइट चालू होने वाला है, तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट सब जो है वो मैं बताने वाला। अभी तक ये नहीं लिखा गया कि इंडिया से फ़्लाइट नहीं चालू होगा, या फिर कोई भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आया, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको पॉइंट जो है वो बताने का कोशिश करूँगा। इस हिसाब से आप समझ जाओगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया से फ्लाइट मार्च से चालू हो सकता है, ठीक है, तो आपको मैं इस वीडियो में बताने का कोशिश करूँगा, आप समझ जाओगे। देखिए, सऊदी गजेटे का बात करें दोस्तों, तो इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ट्वीट आया है, जैसे कि लिखा गया कि जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन GACA हैज़ इन्फॉर्म ऑल एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन सऊदी अरबिया, और एयरलाइंस जो है खोला जाएगा, ठीक है, सऊदी अरब एयरपोर्ट, दैट द सस्पेंशन जो एयरपोर्ट सब पे लगाया गया ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट वेल बी लिफ्टेड, ठीक है, कम्प्लीटली, एंड द सऊदी एयरपोर्ट वेल बी फुली ऑपरेशन फ्रॉम 31 मार्च, ठीक है, पूरी तरह से जो है सऊदी अरब में खोल दिया जाएगा एयरपोर्ट, और जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट पे बैन लगाया गया वो खोल दिया जाएगा। मेन हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया से खुलेगा या नहीं, ठीक है, यही बहुत बड़ा पॉइंट है, तो यही मैं आपको बताऊंगा कि क्या खुलेगा या नहीं। देखिए, यहाँ पे दोस्तों एक और न्यूज में आया है, मतलब यहाँ गवर्नमेंट का न्यूज ये वेबसाइट पे आया है, यहाँ पे लिखा गया कि मंत्रालय संबंधित अधिकारियों से पूर्ण अनुमति के बिना कई देशों की यात्रा करने की चेतावनी देता है। मतलब कि इस देश में चेतावनी दिया गया है कि इस देश में आप फिलहाल यात्रा नहीं कर सकते, मतलब बैन लगाया गया, जिसमें कि एक दो दो चार चार आठ चार बारह बारह कंट्री है, लेकिन इसमें इंडिया शामिल नहीं है, मतलब कि इंडिया से भी आप आ सकते हैं। यही हुआ, बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई इंडिया का स्टिकर नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं इंडिया से भी फ्लाइट चालू हो जाएगा, बहुत लोगों का दोस्तों मन में सवाल है, तो मैं यहाँ पे दोस्तों बता देता हूँ। देखिए, सऊदी गजेटी में पूरा साफ साफ लिखा गया, देखिए यहाँ पे लिखा गया जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन GACA किंगडम के बाहर हवाई अड्डों में संचालित सभी एयरलाइन को सूचित किया है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का निलंबन पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और 31 मार्च 2021 को सऊदी हवाई अड्डे पूरी तरह से चालू हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि सऊदी फ्लाइट और एयरपोर्ट जो है पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, ये पॉइंट बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ पे लिखा कि हालांकि GACA ने स्पष्ट किया है कि यात्रा परमिट उन देशों पर लागू नहीं होता है जहाँ से संबंधित सीमित कोरोना वायरस के प्रकोप के, मतलब यहाँ पे समझ रहे दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रकोप को परिणामों स्वरूप यात्रा को निलंबित करने का निर्णय लेती है, ठीक है। यहाँ पे GACA ने तो कह दिया है कि सऊदी का GACA की ऑल एयरपोर्ट जो है 31 मार्च को खोल दिया जाएगा, आ जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, यहाँ का नागरिक भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ये जो है बीच वाला, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि निलंबित करने का निर्णय लेती है, मतलब जहाँ जो जिस कंट्री में, जैसे कि फोटो यहाँ पे तो दिखाया है कि इस कंट्री, मतलब 12 कंट्री के लिए फोटो दिखाई है, उस कंट्री के लिए अभी फिलहाल बैन ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे और GACA ने और बता रहा है कि निलंबित करने का निर्णय लेती है जहाँ पे कोरोना वायरस हालांकि और भी बढ़ रहा है, मतलब कि वहाँ पे अभी कम नहीं हो रहा है, जो कंट्री में उन कंट्री में भी अभी फिलहाल जो बैन लगाया गया वो बरकरार ही रहने वाला है, ठीक है ना। आप यहाँ पे पास यात्रा को निलंबित करने का निर्णय लेता है, वहाँ पे यात्रा नहीं कर सकते, वो बरकरार ही रहेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी इंडिया में वैक्सीन आ गया, लगना भी शुरू हो गया, लेकिन अभी वहाँ पे वायरस बढ़ ही रहा है, ठीक है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो अरबी में आया था, गवर्नमेंट का न्यूज़ पे अरबी में आया है, तो इसको मैं हिंदी में करके बताया था, तो हिंदी में करके बताया था, तो यहाँ पर दोस्तों पूरा कौन कौन सा कंट्री में अभी बैन लगाया गया, उस कंट्री में फ्लाइट जो चालू होगा तो नहीं जा सकते, नहीं आ सकते हैं, उसके नीचे क्या लिखा गया देख सकते हैं, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, बंगला और जिन अन्य देशों में महामारी अभी तक निरंतर, जिन अन्य देशों में अभी तक महामारी जो है फैल ही रहा है, अभी तक सही से ठीक नहीं हुआ है, नहीं हुई है, या वायरस के उत्परिक्त उपभेदों का प्रसार साबित हुआ है, ठीक है। यहाँ दोस्तों यही बहुत बड़ा पॉइंट है, ये जो दोनों बताया जा रहा है ना कि अभी जो कंट्री में वायरस बढ़ रहा है या अभी तक ठीक से
कम नहीं हुआ है उन कंट्री पे जो बैन लगाया गया हो। फिलहाल मेरे हिसाब से लग रहा है बैन ही रहेगा, लेकिन अभी तक साफ साफ क्लियर नहीं हुआ कि इंडिया से इंडिया पे बैन लगाया जाएगा या फिर इंडिया को खोल दिया जाएगा, इंडिया के लोग आ सकते हैं। तो आने वाला टाइम में मार्च में ही दोस्तों पूरा क्लियर बात हो पाएगा कि इंडिया के लोग आ सकते हैं या नहीं। लेकिन इतना तो कन्फर्म लग रहा है कि इंडिया से भी फ्लाइट शुरू हो सकता है, क्योंकि अभी जो है नीचे में यहाँ बताया जा रहा है ना कि उस कंट्री में अभी तक कोरोना वायरस जहाँ पे बढ़ रहा है वहाँ से आदमी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और 12 कंट्री का साफ साफ बता दिया कि इस कंट्री में फ्लाइट नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर उसमें इंडिया का स्टिकर लगा दिया रहता तो समझ जाते कि हाँ भाई इंडिया से फ्लाइट नहीं चालू होगा। लेकिन अभी भी उम्मीद है, देखिए मार्च में क्या अपडेट आता है। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ, ज़रूर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।